मरूंगा बतला दो ये भर के जो हो।
उखाड़ दिया तीन लोग, अरे तीन लोग मेरे मुंह के अंदर, फिर मुंह घिसण में फाड़ दिया तीन लोग मेरे मुंह के अंदर, मुंह घिसण में फाड़ दिया। हो देख के भूल गया समाया है, मेरी माया से संसार रचा है, फिर भी त्रिलोकीनाथ कृष्ण जी के होते हुए भी तेरे रथ को अगर तीन कदम पीछे की तरफ हटा दिया तो कहां तीन लोग में जगह रह गई। इसलिए मैंने कहा था कि शाबाश करण, इसलिए शाबाशी दी थी। संशय भरम और आंखों पर बंधी हुई अहंकार की पट्टी खोलकर के जमीन पर गिर चुकी है। अच्छा, खुल गई, बिल्कुल। तो बता फिर क्या करना चाहिए? अब ये कर दिया महाराज, भाग्य किरण बहुत बड़ा योद्धा और बहुत बड़ा बलशाली है। आप मेरे साथ नहीं हुए होते, इतने देवी देवताओं का साथ मेरे साथ नहीं होता, तो यह कर्ण सर्जन को कब करण क्षेत्र में परास्त कर देता। अब मैं हाथ जोड़ करके आपसे यह निवेदन करता हूं कि इस कर्ण बलि से मुझे जीत का मार्ग दिखाइए और महाराज इससे मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तू तो 100 कर्णों को मारने के लिए कह रहा था, तेरा बल कहां गया? अज्ञानता में तो महाराज मैं 1000 को भी मार सकता हूँ। अच्छा, लेकिन बहम अहंकार दूर हो गया तेरा? बिल्कुल महाराज। तो प्रसन्न कर मैं तेरे जीत का रास्ता भी। श्री कृष्ण जी महाराज ने वो जीत का मार्ग केवल अर्जुन के लिए नहीं, भूत भविष्य वर्तमान में तीनों के लिए बता दिया कि जीत किसकी होती है, जीत कैसे होती है। लास्ट में सुनेंगे क्या बात है कि बोला शर्म की होगी। लड्डन सिंह, अरे लड्डन सिंह, लड्डन सिंह लड़े कारण में, जीत तो धर्म की होगी। लड्डन सिंह लड़े कारण में, जीत तो धर्म की होगी। हो दे चित चिंता चिंता में
ਦਾ